फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर अगर नया तो सब्जेक्ट मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज हम क्लास टेंथ सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.2 का सीखने चल रहे हैं। तो एक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए एक्स वाई एंड वाई डैश एक्स जेड वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इज़ 90 डिग्री। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज़ 90 डिग्री। हमें ये वाला एंगल 90 डिग्री बताना है दोस्तों, ठीक है ये वाला। तो चलिए कॉपी में फिगर बना के सीखते क्वेश्चन को। तो दो टेंजेंट है दोस्तों, देखिए एक पहले सर्कल बनाते हैं, ठीक है एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है, दो टेंजेंट जा रहे हैं, ठीक है ये दो टेंजेंट है, ये है एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। फिर एक ए बी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ठीक है ये ए बी, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सी है, ठीक है। और पी क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रही है इस सर्कल को, पी क्यू इज़ अ डायमीटर, ठीक है ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना ये पॉइंट सी को काट रही है, ठीक है वो इज अ सेंटर, सेंटर से एक लाइन जा रही है। तो चलिए इस पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये हमें गिवन था दोस्तों, ठीक है इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इसे मिला देते हैं दोस्तों, ठीक है हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जॉइन ओ सी, ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है ए ओ बी इज 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट करते हैं, चलिए देखते हैं कॉन्ग्रेंट करके, ठीक है तो चलिए देखते हैं कॉन्ग्रेंट करके दोस्तों। तो सबसे पहले ए ओ बी हमें प्रूफ करना है, ठीक है प्रूफ हमें क्या करना है, ए ओ बी इज 90 डिग्री, यू बी इज 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे करते हैं सॉल्व। इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओ ए ओ ए ओ ए इक्वल टू ओ ए इज कॉमन है ये, ठीक है कॉमन साइड। अब पी ए इजल टू ए सी, ठीक है क्या है टेंजेंट, टेंजेंट ठीक है टेंजेंट फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है। अब ओ ओ पी इजल टू ओ सी रेडियाई, ठीक है रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए ओ पी के, ए ओ पी के ठीक है बाय एस 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 रूल से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, और एंगल ओ ए सी इजल टू ओ ए पी, ठीक है ये इक्वल हुआ है बाय सी पी सी टी से, ठीक है बाय सी पी टी से इसे इक्वल कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, अब नीचे वाले ट्रायंगल में सिमिलरली कर देंगे, यही आपको दूसरा उसे प्रूव सिमिलर करने की जरूरत कॉन्ग्रेंट करने की जरूरत नहीं है, उसी को सिमिलर ऐसे ही कर देंगे, ठीक है सिमिलरली लिख के, क्योंकि सेम एंगल है वैसे भी सॉल्व करोगे तो वही टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है ऐसे सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्यू बी ओ के, ठीक है दोस्तों। और ओ बी सी इजल टू एंगल ओ बी क्यू बाय सी पी सी टी बाय एस एस एस, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं हमें चाहिए क्या था, तो हमें चाहिए था दोस्तों ये कि ए सब, अब चलो देखते हैं दोस्तों एक्स वाई, एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, हमें क्वेश्चन में गिवेन है
एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसे, एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल दोनों होते हैं, ठीक है, इसका वैसे भी एक टेंजेंट पे बन रहा है तो ये 90 होगा दोस्तों, आपको भी पता होगा ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90, ये 90 इज इक्वल टू 180, और एक्सटर्नल दोनों पॉइंटों का योग 180 होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पी ए सी इक्वल्स टू, मैं सॉरी, प्लस ए क्यू बी सी इक्वल टू 180, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो अब दोस्तों देखिए, तीनों को हाफ कर देते हैं, ठीक है, टू से डिवाइड मार देते हैं तीनों को, टू से, ठीक है। तो पी ए सी प्लस हाफ क्यू बी सी हाफ 180, ठीक है। तो चलिए पी पी ए सी को हाफ करेंगे तो हम लिख सकते हैं दोस्तों ओ ए सी, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं ओ ए, ठीक है, ओ एंगल लगाना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है, ओ ए सी प्लस क्यू बी सी को हाफ करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ओ बी सी, ठीक है, एंगल ओ बी सी इजल टू 180 का हाफ करेंगे तो 90, ठीक है, ये आ गया दोस्तों। चलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं, अब चलते हैं ट्रायंगल ए ओ बी में। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तीनों को एक एक बार लेते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी, ठीक है, तीनों को एक एक बार बीच में ले लिया, ठीक है, तीनों को एक एक बार बीच में लिया है ओ बी टू को। तो ये देखिए दोस्तों, ओ ए सी प्लस ओ ओ ओ बी सी का योग हमने यहाँ पर 90 निकाला है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने 90 निकाला है, सॉरी दोस्तों ये 180 होगा ना, हमने इसका योग 90 निकाला तो दोस्तों, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे 90 कर सकते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी 180 होता है, ठीक है दोस्तों। तीनों का योग सर्कल के तीनों योगों का, सर्कल के तीनों एंगलों का योग 180 होता है, ठीक है। तो ए ओ बी इजल टू 180, और इन दोनों का योग हमने 90 निकाला है, माइनस 90, तो ए ओ बी इजल टू 90 डिग्री, हमें यही प्रूव करना था दोस्तों, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।